हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पे। तो दोस्तों, आज मैं आपको नेवी एमआर का मैथ का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। यदि आपने इसके पहले पार्टों का ना देखा हो तो उसको जाकर अभी देख लीजिएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, देखिए, और यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में आ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चन का मैंने कलेक्शन बना के रखा है। देखिए, यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन की बात है। यदि आपका रक्ष दिया है 135-200 दिया गया है, चलो ठीक है, के लाभ को 4-3-6 के अनुपात में 3 हिस्सेदारी, देखिए हिस्सेदारी में किया गया आशय, देखिए नाम क्या है, देखिए भैरव चेतन, और आशय में भी किया, आशय भैरव चेतन में बांटा जाता है, चेतन को कितने रुपए प्राप्त होता है। चल ठीक, ये देखिए, ये आपका दिया, यदि रुपये दिया 1,35,200 दिया है, 4-3-6 है, और आशय नाम है, भैरव नाम, चेतन नाम है, आशय का ये और भैरव का ये दिया, चेतन का 6 दिया, ठीक है, इतना, ठीक है, इतना तो पता होगा आपको। देखिए, इसको चेतन का केवल पूछा जा रहा है, मेन पॉइंट ये है आपका और कुछ नहीं। देखिए ऐसे किया जाता है, इसको देखिए लिखा है चेतन को कितने रुपए मिलेंगे, तो 1,35,200 लिख लीजिए, फिर इसमें घोड़े का चिन्ह लगा के चेतन का पूछा गया, केवल चेतन का, यदि चेतन को पूछा गया तो केवल 6 लेंगे, और किसी को पूछा जाता है तो कोई लेते संख्या, चलो ठीक है, इन तीनों को लास्ट में जोड़ देंगे, चलो ठीक है, 4-3-6। देखिए चलो, और ये भी ध्यान रखिएगा, इस प्रकार का जो क्वेश्चन आता है आपका कि इतना लाभ दिया और अनुपात में है, इन तीनों में से एक ज्ञात करो, तो आपको ऐसे ही हल किया जाता है, ठीक है, गुणा लगा के और नीचे आपको तीनों संख्या का योग कर दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो आपने देखिए ये सब क्वेश्चन जो आप कर चुके होंगे, एक दो बार और अच्छी तरह कर लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं आपके सारे, और ठीक है, चलो ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसलिए मैंने यहाँ रख लिया है, 6-3-9-9-4-13, चलो ठीक है, 13 से देखिए 13 से इसे काट दीजिएगा, चल ठीक, काट दे रहे, 13 कम 13 3 6 52 हो गया, 1400 आ गया, ठीक है, चल ठीक है, देखिए क्या होगा, 4-2, तो चलो ठीक है, यदि 1400 का जब 600 हम गुणा करेंगे यहाँ पे कितनी संख्या प्राप्त होगी, तो देख लीजिए 62,400 संख्या प्राप्त हो जाएगी, ये देखिए 62,400 संख्या प्राप्त। अब बस इतना है कि 1400 गुणे 6 करना है, इतना तो कर लेंगे, और करेंगे भी तो गुणा कितना आएगा, 62,400 गुणा आ जाएगा, ठीक है। देखिए चेतन का पूछा गया तो 6 है, यदि भैरव पूछा जाता है ऊपर 3 लिख देते, आशय पूछा था 4 होता, चलो ठीक, इतना ही है आपका, ठीक है, चलो कितना था, क्या था, ये है जो ऑप्शन है यहाँ पे 62 रेड से, ठीक है, रेड से पूछा गया तो रेड से आ गया, चलो ठीक है। देखिए ऐसा ही हो, ऐसे किया जाता, ठीक है, देखिए 3 हिस्सेदार थे, चेतन पूछा 6 लिखा, ये गुणे में 6 अपॉन में तीनों को जोड़ा, 13 या 13 से 1 काट दिया, सिंपल से था, कोई कठिन तो था नहीं आपका, ऐसे को देखिए, ये जो यहाँ पे डाटा बदला हो गया होगा, केवल क्वेश्चन जब आपका पूछा जाए कभी पेपर में तो आप इसी फॉर्मेट में ऐसे ही किया जाता है, चलो ठीक है। देखिए नेक्स्ट दिया 15 नंबर क्वेश्चन की बात है, देखिए एक घन के सभी किनारों की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर, इसका आयतन ज्ञात करना, वॉल्यूम होता है जो वी स्टूडेंट करते हैं, चलो ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, मेन पॉइंट इसमें घन है और लंबाइयों का योग और आयतन, ये 3 पॉइंट है, फोकस करिए इसमें क्या क्या लिखा। देखिए इसमें ये होता है कि घनों के किनारों की लंबाई का योग 84 सेंटीमीटर, इसका मतलब कि घनों की किनारों की लंबाई हम ज्ञात करेंगे। देखिए कैसे होता है, देखिए इसको ऐसे देखिए कि इतना लिख दे रहे हैं, हम कह रहे हैं केवल लिख दे रहे हैं घन को किनारों की लंबाई, इतना लिख दे रहे हैं केवल, ठीक है, समझ जाना, घन के किनारों की लंबाई, चलो लिख दे रहे हैं घन के किनारों की लंबाई, ठीक है, घन के, ठीक, चलो इसके बराबर में क्या है, ये देखिए इसका, देखो ये होता है कि घन के किनारों की लंबाई का सूत्र आप देख लीजिए, घन के किनारों की, जो किनारों की जो लंबाई होता है, एल लिख दे रहे हैं, उनका योग होता है, लंबाई का योग होता है, ठीक है, अपॉन में क्या होता है दोस्तों, देखो संख्या होती है, किसकी संख्या होती है, किनारों की, हमने बताया था पिछले पार्ट में, बताया था शायद एक दो पार्ट हो गया होगा, उसके पार्ट में बताया था कि आपका जो घन होते हैं उसके किनारों की संख्या 12 होती है, चलो ठीक है, इतना ये आपका क्वेश्चन 12 दिया नहीं जाएगा आपका पेपर में, पर आप बार ध्यान रखिए, जो घन होता है उनके सभी किनारे जो कोने होते हैं उनकी संख्या 12 होती है, चलो ठीक है, ये दिया गया, इसलिए देखिए क्या है, लंबाई कितने दी गई थी, 84 दी गई सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में भी आंसर आ रहा है, देखिए घन सेंटीमीटर सब आ रहा है, 84 रख दिया, चलो ठीक है। और देखिए कि यहाँ पे लंबाई का योग कितना था, यहाँ पे लंबाई का योग कितना है, चलो ठीक है, पता नहीं शायद लंबाई का योग सभी, देखिए यहाँ पे दिया तो गया है दोस्तों, देख लीजिए, रुकिए एक मिनट, जरा एक मिनट रुकिए, चलो ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ दिया गया था, देखिए इसमें ये क्या होता है कि किनारों की लंबाई का योग, लंबाई का योग 84 दिया, लिख दिया, और 84 हो गया, घन के किनारों की लंबाई 84 होती है, लिख दिया, और किनारों की संख्या 12 होती है, 12 7 84 होता है,
7 सेंटीमीटर आ गया आपकी गन की लंबाई किनारों की। चलो ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। चलो ठीक है, इतना आ गया आपका। चलो ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। 12 7 काटेंगे, 12 7 84 होता है, 60 आ गया। और मेन बात आपकी अब ये आता है कि आयतन क्या होता है, वी क्यूब होता है, होता है कि नहीं आयतन वी क्यूब होता है। तो वी तो शायद वो आया था, कितना आया था, 7 आया था, 12 7 84 थे, तो 7 7 49 49 का 9 में फिर से करेंगे तो 343 घन सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, घन आएगा और सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो आना ही था, घर में आएगा। चलो ठीक है, कितना था, शायद ये था। हाँ चलो ठीक है, 7 का था। जी, ये ऑप्शन राइट है। चलो ठीक है, आपको समझ में आ गए हो, कुछ कठिन नहीं है। लंबाइयों का योग अपॉन में संख्या होती है, संख्या 12 होती है, आपको पेपर में लिख के नहीं आएगा। 12 7 84 7 हो गया, और आयतन वी क्यूब होता है, 7 का क्यूब करेंगे, 343 घन सेंटीमीटर। सिंपल क्वेश्चन, राइट ऑप्शन ये। ठीक है चलो ठीक है, हटा। 16 नंबर क्वेश्चन की बात है, दिया क्या गया यहाँ पे देख लीजिए। चलो ठीक है, दो कारें क्रमशः 30 और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए और शहर बी तक यात्रा करती हैं। चलो ठीक है, यदि एक कार यात्रा के दूसरी कार की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है तो शहर में ए से बी के जो बीच की दूरी है पूछा गया। चलो ठीक है, पेपर में देखिए, आपको पेपर में कैसे हल करना है, जल्दी जल्दी आपको हल करना होगा क्योंकि जो टाइम होता है वहाँ पर बहुत कम होता है। ठीक है, नहीं भी हमारे में तो कम ही टाइम मिलता है आपको। चलो ठीक है, देखिए कैसे होगा, और इजी क्वेश्चन आते हैं, जो कैलकुलेशन आती हैं वो आपकी ज़्यादा बड़ी बिल्कुल नहीं आती बड़ी आपकी, देखी जाए तो मैथड और तरीका आएगा तो आप तुरंत कर लेंगे, 10-5 सेकंड में सवाल हो जाते हैं, कोई कोई आपके 2-4 सवाल हो जाएंगे। चलो ठीक है, देखिएगा कोई कोई बड़े होते हैं 1-2 मिनट लग जाते हैं। चलो ठीक है, देखिए कैसे प्रैक्टिस से करेंगे तो सब ईजी हो जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, दो कारें क्रमशः 30 और 45 हैं, तो D/30 मान लीजिए। चलो ठीक है, और ये क्या दिया है, और उसमें 2/45 मान लिया। ओ ठीक है, देखिए ये है कि जो माना शहर की जो दूरी है वो हमने डी मान ली है, यहाँ हम बोलेंगे केवल आप लिख लीजिएगा, माना शहर की जो बीच की दूरी हमने डी मान ली है। ठीक है, क्योंकि ए से बी की जो बीच की दूरी बताने शहर से होगी तो ए तो डी मान ली है, कोई बात नहीं। अब उसमें से दो कारें 30 और 45 हैं, 2/30 हो गया, 2/45 हो गया, कोई बात नहीं। और इसमें पूछा गया है यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में इतने 2.5 घंटे कम समय लेती तो शहर से कितनी दूरी होगी, पूछा गया यहाँ पे बीच की दूरी शेष पूछा गया एक प्रकार से, तो यहाँ माइनस लग गया। इस कल्टू में कितना था, 2.5 घंटे कम समय लेती है। चल ठीक है, इस कल्टू में लगा दी, कोई बात नहीं। 30 × 45 करिएगा, चलो रुकिए, 45D हो गया इधर, -30D हो गया। चलो ठीक है, 45 × 30 कर दिया, 30 × 45 करिए, 30 × 45 हो गया, और यहाँ पे 2.5 तो चल ही रहा था, तो यहाँ पे इससे देखिए अब क्या फॉर्मेट बनेगा, ये पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लिए, नहीं तो कॉपी में तो हल ही कर रहे हैं शायद, देख लीजिए इतना है। चल ठीक है, डी इसलिए लिया था क्योंकि दूरी जो होती है वो डी से डोनेट करते हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि डी मान लें तो 1/30 मान सकते हैं, 1/45 मान सकते हैं, कोई बात नहीं। 30 और 45 दिए गए हैं किलोमीटर के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि ये होता है कि देखिए ऐसा होता है कि जो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय होती है आपकी, ध्यान से सुनिएगा, तो समय आपका 30 दिया है तो दूरी तो डी मान दे, 2/30 हो गया है जी, देखिए और दूरी आपकी डी है तो डी मान लिया, और 45 था तो 45 मान लिया समय। चल ठीक है, ऐसा हो गया, और इसमें लिखा है कि यात्रा करती और एक मतलब कि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 2.5 कम समय लेती है, तुलना की बात कर दी और कम समय की बात है, तो यहाँ पे माइनस लगा दिया जिससे हमें पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए और ये इतना याद स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो ठीक है, जब इतना आ गया तो इसके बाद जो डी है कितना कितना है, देखिए इतना हो गया है। चलो ठीक है, 45 था और नीचे 2.5 हो गया। चलो ठीक है, नीचे यही बचा था, 15 था, कुछ नहीं था। चलो ठीक है, 15 × 45 हो गया, चलो लिख दिया, 3×3=90। चलो ठीक है, 25 × 225 फिर 0 तो पॉइंट लग जाएगा, 225 हो जाएगा। चलो ठीक, किलोमीटर आया है ऑप्शन। चलो ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन आपका दिया नहीं गया दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन लिख लेना, यहाँ कट गया डी ऑप्शन, क्या था, 225 था। ठीक है, बस 225 किलोमीटर था। चलो ठीक है, मीटर में आता तो 225 से 5/18 गुणा कर देते, कुछ नहीं था। ठीक है, देखिए 225 आ गया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि दूरी डी से डोंट करते हैं, इसलिए माना दूरी हमने डी मान ली थी शहरों के बीच की दूरी, और चाल बराबर क्या होता है ये जल्दी जल्दी देख ली, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। चलो ठीक है, दूरी डी थी और ये क्या है, समय 30 था, 30 लिख लिया, डी दूरी थी और 45 था। ठीक है, इसी प्रकार से कर लिया था, इजी क्वेश्चन है और
225 राइट ऑप्शन। ठीक है, कॉपी में हल कर लीजिए, कर इसको सही बताएं तो आप कॉपी में अच्छी तरह कर लीजिएगा तो आपको जल्दी जल्दी रिवीजन भी हो जाएगा, आप कैलकुलेशन भी करना सीख जाएंगे अच्छी तरह के। ठीक है, जो आप जैसे मैं कोई कोई कैलकुलेशन छोड़ देता हूँ या फिर कोई कोई कैलकुलेसन आप करते होंगे तो सीख जाएंगे, धीरे धीरे सवाल आप कॉपी में हल करेंगे तो ज़्यादा आपको अच्छा आ जाएगा। स्क्रीन शॉट ले लीजिए अगर कभी कभार ना कर पाएँ कॉपी में। चलो ठीक है, 16 का ये हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट किलोमीटर में ध्यान रखिएगा। चलो 17 नंबर क्वेश्चन की बात है, देखिए यदि दिया है सारे जो आंसर हैं वो शक में दिए गए हैं, इसलिए इसको आप शक में तोड़ लिए तो आपका आसानी होगा, आंसर भी देख लिया करिए कभी कभार, आंसर से क्वेश्चन हल करिए। देखिए 1+cos है तो 1/sec हो जाएगा इसका, यहाँ पे रुक जाए। ठीक है, इसमें आप ऐसे लिख लीजिए और 1 - 1/sec हो जाएगा क्योंकि नीचे माइनस का कॉस है। अब इसको किस फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, देखिए पहले। चलो ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, सके का 1 में गुणा करेंगे तो सके +1 होगा, अपॉन में सके -1 होगा नीचे में, इतना लिख लिया। चलो ठीक है, इधर भी लिख लिया, सके -1 हो जाएगा, जो इतना लिख लिया आपने। अब इसका संयुग्मी गुणा करिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट में कर दे रहे हैं संयुग्मी गुणा। चलो ठीक है, इधर कर दे रहे हैं। चलो ठीक है, इधर एक मिनट रुकिए, इधर कर दे रहे हैं। सक ए ऊपर क्या था, +1 था और नीचे सके -1 था, गुणा किया सके -1/sec - 1। ठीक है, इनका देखिए वो वही फॉर्मेट बन गया आपका, a+b और a-b का सूत्र क्या होता है, a²-b² का। ठीक है, a²-b² बराबर होता है a+b और फिर a-b होता है, सिंपल है, कुछ नहीं था। तो sec²a हो जाएगा इधर, sec²a - 1। ठीक, 1² 1 का होल अप स्क्वायर 1 ही होता है। चलो ठीक है, तो sec - 1 का इधर दोनों है, sec - इधर भी है तो sec - 1 का होल अप स्क्वायर हो जाएगा। और ये भी आपने पढ़ा होगा ध्यान से कि जो tan²a बराबर होता है sec²a - 1 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, tan²a बराबर होता है sec²a - 1। चलो ठीक है, लिख दिया। और नीचे ये है तो देखिए sec a - 1 का होल अप स्क्वायर, तो ऑप्शन है क्या, देखिए tan²a था तो ऊपर ये दो हैं तो ये ऑप्शन है, नीचे था sec a - 1 का होल स्क्वायर, ये जी क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट दिया, अगला क्वेश्चन की बात है, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, एक राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज पर 40% की वृद्धि होती है, उस यदि उस पर दर जो 2% की है, 36,000 का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। जो ट्यूशन आपका है, जो 18 नंबर का जो सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, मैंने लास्ट में लिया है, उसको आप देख लीजिएगा 18 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, सोल्यूशन लास्ट में, चलो ठीक है लास्ट में दिखाएंगे। ठीक है, देखिए बड़ा है ना, इसलिए इसके लिए मैं ना होता है इसे। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन की बात है, निम्न दिखाओ समीकरण में किसके वास्तविक मूल है, वास्तविक मूल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि जो डी का मान है वो 0 से बड़ा होगा, डी का सूत्र क्या होता है, b²-4ac होता है। चलो ठीक है, सभी देखिए यहाँ पे वीडियो आप बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं सीधा आंसर बताऊंगा, पर आप पेपर में जब करिएगा तो माइंड से करिएगा, मतलब माइंड आप कैलकुलेशन करिएगा, इतना आप ज़्यादा हल करिए ना करिएगा क्योंकि टाइम बहुत कम होता है। ठीक है, वास्तविक मूल की कंडीशन हम बता दें, यही इंपॉर्टेंट था, कुछ नहीं था इसमें। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, चलो ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है d²-4ac होता है, यहाँ तो सीधे हम बता देंगे यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, चलो ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो ये वाला है, ठीक है, देखिए d हो जाएगा, b का मान कितना है आपने ये पढ़ा होगा, ax²+bx+c से तुलना करिए इसका। ठीक है, b का मान कितना, 7 × 7 = 49 - 4, a कितना है 2 है गुणे में 6 है, तो d = 49। चलो ठीक है, 4 × 8 = 48, d = 1 आ गया, मतलब कि 0 से बड़ा है 1। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो वास्तविक मूल्य यही हो गया क्योंकि ठीक है बी ऑप्शन था। ठीक है, आप पेपर में हो सके तो धीरे धीरे करिएगा कैलकुलेशन, मतलब माइंड से, वैसे राइट ये है। ठीक है, 25 क्वेश्चन यदि आएंगे, वैसे एमआर में आपके 12-13 नंबर क्वेश्चन आते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन ऐसा हो सकता है, और 25 तो नेवी डबल ए में आते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ऐसा मिल सकता है, कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा पेपर आपका, ईजी क्वेश्चन आता है, कोई कोई ईजी होते हैं क्वेश्चन पर कोई कोई हार्ड भी होते हैं। ठीक है, देखिए यदि प्रत्येक रट्स पर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सारे आपके इजी हो जाएंगे। ठीक है, धीरे धीरे करते रहिए। यदि प्रत्येक रट्स 1300 कीमत वाले 4 दुपट्टों की खरीद पर 1 दुपट्टा मुफ्त है, मुफ्त पाने की पेशकश की जाती है, तो प्रत्येक दुपट्टे पर प्रभावी छूट क्या है। ठीक है, देखिए छूट पूछा गया, तो 20 नंबर क्वेश्चन है, तो ये होता है आपका जैसे कि 4 दुपट्टा, देखिए यहाँ पर पहले ये देखिए लागत मूल पूछा गया, देखिए लागत मूल है तो यहाँ पर 4 दुपट्टा मिल रहा है, 1 फ्री मिल रहा, मतलब मुफ्त प्लस का मन लिख दिया। चल ठीक है,
कीमत कितनी है 1300 लगा दिया, 1300 इधर गुणा 1300 लिखा है, ठीक है कोई बात नहीं। और 1355 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4+5 1355 ठीक है, इतना हो गया लागत मूल आपकी जो 6500 आ गई। 4 इसलिए था क्योंकि 4 दुपट्टे थे, उसमें भी एक दुपट्टा फ्री मिल गया तो 5 हो गए। और प्रत्येक देखिए प्रत्येक में लिखा है रेट सिर्फ 1300 कीमत वाले हैं, तो प्रत्येक हैं सभी हैं, मतलब प्रत्येक में एक एक होता है जो प्रत्येक है, ठीक है तो 5 हैं प्रत्येक, तो 5ों में 1300 गुणा करेंगे, ठीक है इसलिए गुणा किए 5 का, ठीक है चलो ठीक है, इतना आ गया होगा 6500 हो गया, चलो ठीक है ऐसे करिए धीरे धीरे आ जाएगा। विक्रय मूल्य की बात है, देखिए विक्रय मूल्य क्यों निकाला अभी पता चल जाएगा, अभी बताऊँगा मैं, ठीक है देखिए विक्रय मूल्य होगा 4, ठीक है क्योंकि ये 4 देखिए 4 उसने मतलब उसको मिले हैं, फ्री में विक्रय मूल्य कभी नहीं जोड़ा जाता, ये आप ध्यान रखिएगा। विक्रय मूल्य जैसे कि 4 रुपये मिले हैं विक्रय मूल्य में, 1 रुपये और फ्री में दे दिया जाए तो उसको विक्रय मूल्य नहीं जोड़ेंगे, को 4 एक जोड़ेंगे विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य आपका यहाँ लिख दे विक्रय मूल्य आपका 4 है, फ्री वाला नहीं विक्रय मूल्य जोड़ते हैं, ठीक है 4 ही हो गया, 4 का फिर किससे 1300 से गुणा कर देंगे, कुछ नहीं है क्योंकि इतना रुपये लगा था तो उससे 1300 हो जाएगा, 1352 ठीक है, तो 5200 हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन, राइट ऑप्शन नहीं अभी हो रहा है, 5200 हो गया चलो ठीक है। देखिए 6500 5200 इतना याद रहेगा ना, चलो ठीक है लागत मूल्य 6500 विक्रय मूल्य आपकी ठीक है 5200 होता है, चलो ठीक है। देखिए छूट पूछा है, छूट परसेंटेज में वो क्या होती है, छूट परसेंट होती है छूट बट्टे में वो लागत मूल्य होती है, लागत मूल्य 6500 होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए कॉपी में नोट करते जाइएगा और अपने मन से भी हल करिएगा, कैलकुलेशन भी अच्छी तरह करिए, जो मेथड और ट्रिक होती है जो वो याद रखिएगा, तो कैलकुलेशन कुछ नहीं होती है पेपर में, कैलकुलेशन नहीं आती ज़्यादा। देखिए छूट है, छूट तो दी गई थी, चलो ठीक है छूट आपकी उतनी थी 65, उसमें घटाना था तो घटा दीजिए यहाँ पे, नहीं तो पहले ही घटा लीजिए, चलो ठीक है 6500 होता है, 6500 में शायद 52 थे, हाँ चलो ठीक है लागत मूल्य आपका दिया गया 6500 था, विक्रय मूल्य 52 था, इसमें घटा दिया गुणे में 100 है, चलो ठीक है कोई बात नहीं 6500 - 5200 घटा दिया, ठीक है चलो ठीक है 52 + 62 तो 1300, चलो ठीक है अपन में 6500 है, 100 है 13 5 65 5 2 0 5×20 20% है क्या, 20% या 20% तो एक बात है, ठीक है ठीक है 20% राइट हो जाएगा। और विक्रय मूल्य पूछा जाए तो विक्रय मूल्य 4 होगा, फिर दुपट्टा फ्री वाला नहीं होगा, ठीक है चलो 4 ही होगा इसका, और राइट ऑप्शन की बात है तो ये हो जाएगा। और देखिए ना समझ में आया, थोड़ा समझ में आ गया होगा फिर भी अच्छी तरह समझाया, ठीक है ना समझ में आया तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है चलो ठीक है कोई बात नहीं 20% धीरे धीरे समझिएगा आ जाएगा, चलो ठीक है। नेक्स्ट है विकर्ण अनुरूप होते हैं, डैश किसके होता है समद्धि भाव समलंब, चलो ठीक है जल्दी देखिए 22 नंबर क्वेश्चन की बात, चलो ठीक है एक आयत का क्षेत्रफल 1200 वर्ग सेंटीमीटर, ये 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आयत का जो क्षेत्रफल है एल इंटू बी होता है वो आपका 1200 दिया गया है, ठीक है चलो ठीक है। और इसकी परिधि क्या होती है, परिधि होती है आपकी 2 (L+B) होती है, वो भी 140 दी गई है, और यहाँ से काटेंगे तो यह L+B आपकी 70 हो जाएगी दोस्तों जी। देखिए ये वाला हमको आप बता दीजिएगा आंसर, ठीक है आंसर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, मुझे थोड़ा मैथड करके आप बता दीजिएगा, थोड़ा सा बता दीजिएगा बस, ठीक है कमेंट में, ठीक है तो राइट ऑप्शन की बात है तो 50 राइट ऑप्शन हो जाएगा। विकर्ण पूछा गया, विकर्ण का सूत्र क्या होता है L²+B² होता है अंडर रूट में, ठीक है सिंपल है क्वेश्चन कर लीजिएगा ना है तो बता दीजिएगा कि 22 नंबर क्वेश्चन बता दीजिए तो नेक्स्ट होगा नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, ठीक है कोई बात नहीं। ये जो राइट ऑप्शन की बात है तो कितना 50 आंसर राइट है, चलो ठीक है सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ईजी क्वेश्चन है कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ठीक है 23 नंबर क्वेश्चन की बात है एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के जो चारों कोणों का माप का अनुपात 3, 4, 5 है, सभी बड़े कोणों का माप देखे सबसे बड़ा 6 है उतना कोई बात नहीं, इतना दिया सबसे पहले जोड़ो 3x+ अनुपात मान लेते 3x+4x+5x+6x, देखिए एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज में 360 होता है मान, 3, 4, 3, 7, 7, 6, 13, 13, 5, 18 चल ठीक है कोई बात नहीं। एक्स के मान 20 आया, आ गया कि नहीं, देखिए सबसे बड़ा पूछा 6x 6 × 20 = 20, 6 × 6 = 12 तो 120 आ गया होगा, चलो ठीक है आया का ऑप्शन है देखो ठीक है चलो ठीक है 120 हो जाएगा। इतना था कि चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों की मान होता है 360 होता है, ये डिजिट दी गई है इसका उल्टू में 360 करिए हल करिए 20 आया, सबसे बड़ा पूछा गया देखिए सबसे बड़ा पूछा गया था तो इसलिए हमने 6x लिया था तो 20 आया था तो 120 हो गया था कुछ नहीं था, और
सबसे छोटा पूछा जाता तो 60 हो जाता, 20 तिका 60 हो जाता, ठीक है, कुछ नहीं था पर राइट ऑप्शन की बात है तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट है मयूर को। देखिए ये वाला थोड़ा हट के क्वेश्चन है, थोड़ा वैसा क्वेश्चन है इसलिए आप ध्यान से इसको करिएगा, ठीक है, थोड़ा अलग है क्वेश्चन है। मयूर है, जयंतिका है, चलो ठीक है, 100% अच्छता दी है, इसी का बस काम है यहाँ पर, कुछ नहीं है। एक एक काम है, देखिए मयूर एक काम को 27 घंटे में पूरा कर सकता है। चलो हम ये हटा दे, दिखना रहा शायद, मयूर एक काम 27 घंटे में पूरा कर सकता है यदि उसे जयंतिका ने सहायता की है, चलो ठीक है, और जो कि 100% अधिक कार्य दक्षता है, 100% अधिक है, चलो ठीक है। चलो तो कितने समय में दोनों मिलकर काम पूरा करें, देखिए ये थोड़ा आपकी ये लाइन जो है 100% यही आपको इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं था, जयंतिका ये, चलो ठीक है, मयूर एक काम को करता उसमें जयंतिका सहायता करती है, वो भी 100% अधिक से, 100% भी अधिक भी है कार, 100% अधिक कार से, तो दो हो जाएगा, ठीक है, यही आपका था, यही लाइन आपकी थी और कुछ नहीं था। और दोनों मिलकर कार करने में लगा समय क्या हो जाएगा, 1 गुणे एक का कितना था, एक काम था और 27, ठीक है 27 घंटे थे अपॉन में, सौ 3 हो जाएगा क्योंकि 1 + 2 3 हो जाएगा, चलो ठीक है, 9 × 27 9 है क्या, 9 घंटे हो जाएगा, चलो ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही था, ठीक है, आपका थोड़ा हट के क्वेश्चन है ये, 100% दक्षता थी तो यहाँ पे एक का कार्य दोगुना हो जाएगा, चलो ठीक है, ये आपका ऐसा क्वेश्चन था, ठीक है, 9 जो 9 घंटे राइट हो जाएगा, चलो नष्ट दिया है। 25 नंबर क्वेश्चन की बात है तो यहाँ दिया, यदि एक्स वाई है तथा वाई जेड है जो आर ना हो तो एक्स वाई जेड क्या होगा। देखिए ऐसे करा जाता है, एक्स और वाई लिख लीजिए, और देखिए ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी एमआर के लिए, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखिए ऐसे होगा, आप कर लीजिएगा, अब तो कर लेंगे आप, देखिए यहाँ 3 4 है ऐसे लिख दिए, फिर वाई जेड है तो 8 9 वाई, देखिए ऐसे किया जाता है, इसमें थोड़ा अलग ले रहे हैं पेन, 4 हमने तो ऐसे बताते हैं आप सबको, 4 और 4 बना के आप कर लीजिए, देखिए 4 मतलब ऐसा होता है कि ये होता है कि 3 × 8 ऐसा होता है, अनुपात में 8 × 4, चलो ठीक है, अनुपात में 4 का फिर इसमें 9 था, 4 × 9, चलो ठीक है, क्या क्या आया आपकी डिजिट्स देखिए, 8 × 16 = 24 आया, 32 आया और 9 × 4 = 36 आया, ठीक है 24 32 36 आया, चलो ठीक है, इतना आंसर आया। देखिए पहले देखिए जब भी आपका ये पूछा जाता है तो 4 बना के आप हल कर सकते हैं हमेशा, 3 का 8 में किया, ठीक है अनुपात भी लगाया, फिर 8 का 4 में किया, फिर 4 का 9 में, 24 32 36 ध्यान रखिएगा, 24 32 36 कहाँ है ऑप्शन इसे इसका, देखिए आपको देखिए, अब देखिए हम 4 से इसको काटेंगे, 4 इसको काटा ये भी है, देखिए चलो 2 से काट दे रहे हैं, 12 आया 16 आया, 8 × 36 होता है, फिर 2 से काटा, 2 से नहीं काटेंगे, ठीक है चलो ठीक है, 2 × 8 = 12 हो गया, चलो 2 × 8 = 16 हो गया, 2 × 9 = 18 हो गया, 6 × 8 = 9 आ गया कहीं, तो जो बी ऑप्शन है यहाँ पे, बी ऑप्शन कहाँ है, चलो ठीक है बी ऑप्शन है, बड़ी संख्या थी तो 4 से भी काट सकते थे, चलो 2 से भी काट लिया आपके कहने पे, चलो ठीक है 6 8 9 आ रहा है क्या, चलो ठीक है आ रहा है, चलो 6 8 9 सिंपल है। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, ठीक है, ऐसे वाई ग्रुप में ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं ऐसे एयरफोर्स में। देखो यदि दोस्तों आपको ये वाला मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मैं ऐसे ही वीडियो आपको धीरे धीरे लाता रहूँगा मैथ के, ठीक है चिंता ना करिएगा,